हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियडो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डिस्कस हो गया था। और सारे के सारे क्वेश्चन मतलब अच्छे हैं इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में बता चुका था, क्वेश्चन नंबर 17 बताना है ना। ये हाँ, 17 बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 बताना है। सर सिक्सटीन है सिक्सटीन बताया नहीं है क्या अभी तक? अच्छा ठीक है। हाँ तो ठीक है, 3.19 बताऊँ? 3.20, 3.20 के बाद 3.21 बताऊँ? 3.22, इसके बाद 3.23 बताना है। यस अच्छा, एक बार बता दूं तुमको क्लियरली कि ये जितने क्वेश्चंस हैं ना, जरूर तुमने अभी पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चंस इजी नहीं है, मतलब इवन टीचर के लिए भी इजी नहीं है, तो ज्यादा एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। तो ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, मतलब इनको अच्छा कहा जाता है, तो इसमें स्ट्रिप सिलेक्शन में दिक्कत आ रही होगी तो आनी ही चाहिए, स्टूडेंट को आनी चाहिए ये क्वेश्चंस, मतलब हैं सब ये। क्वेश्चन नंबर 3.17, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे, कोई ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब सॉल्व करने में हालत खराब हो जाए। चलो बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3.17 इसमें कह रहा है कि सपोज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर डिपेंड ऑन द पोलर। मतलब मैं एकदम ट्रूली तुमसे बोल रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चंस नहीं होता है तो कोई वो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए, इस क्वेश्चन को होना भी नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन है सब। तो देखो, सपोज द चार्ज डेंसिटी ओवर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर डिपेंड ऑन द पोलर एंगल थीटा लाइक दिस वन। मतलब पोलर एंगल का मतलब ये होता है कि ये जो ओरिजिन है ना, इसको एक्स एक्सिस बना दो, ये वाई एक्सिस बना दो, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से इससे थीटा एंगल, तो यहां की जो डेंसिटी है, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो इसको गवर्न कर रहा है, तो ये जो थीटा होगा ना, उस एक्स एक्सिस में एक सर्कुलेट मतलब इस वाई एक्सिस के चारों तरफ से घूमेगा ना ऐसे ऐसे, तो वो थीटा सेम बनेगा। इधर अगर मैं बेसिकली इसको एक्स ऑक्स नहीं दिखाना चाहिए था, इसको रेडियस के साथ दिखाया जाता है बेसिकली, देखो इसको आर और थीटा के तरह से लिखा जाता है, बट इसको तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा तुमको, इसको एक्स और वाई रहना, हमें क्वेश्चन से बस मतलब है, बाकी पोलर वोलर क्या बताओ, बहुत दिमाग नहीं लगाए। ये है एक्स एक्सिस, इस लाइन से थीटा एंगल पे, इस लाइन से थीटा एंगल बनना चाहिए, इस लाइन से थीटा, देखो इधर भी थीटा बनेगा, नहीं है ना? इस लाइन से थीटा तो चेंज हो रहा है ना,
इस एक्स एक्सिस से जो थीटा बनेगा, कायदे देखो तो थीटा बनेगा वो इस एक्स एक्सिस के चारों तरफ तुम इस ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, इस एक्स एक्सिस के चारों तरफ तुम ऐसे घूम जाओ ऐसे। तो ये जो एक्स एक्सिस से जो थीटा आएगा ना, इधर थीटा, इधर थीटा, इधर थीटा, इधर थीटा, ये थीटा सब सेम मिलेगा। कुछ तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे ही थीटा इधर भी ले लो, ये इस थीटा की बात कर रहा है, दिस इज द पोल राइट। एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बन रहा है ना वो इसको गवर्न कर रहा है। रहा है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब ये एक हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है। देखो मैं बार बार एकदम स्लो चल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं इस क्वेश्चन के अंदर है। तो थीटा पे जाने के बाद यहां की जो वॉल सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इसको गवर्न कर रहा है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा को गवर्न कर रहा है, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको गवर्न कर रहा है। रो नॉट इज कॉन्स्टेंट सो दैट सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल रिलेटिव शिफ्ट टू द टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल ऑफ रेडियस आर हुज चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। रिस्टोरिंग दिस रिप्रेजेंटेशन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इनसाइड द गिवन स्फीयर। इसी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इसके अंदर गिवन स्फीयर। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, क्या कर सकते, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। थीटा एंगल पे जाने के बाद, लेकिन इसको भागना नहीं है, इसी को बाद में हम लोग याद करेंगे। थीटा एंगल पे यहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको गवर्न कर रहा है, इस फंक्शन को गवर्न कर रहा है। यार आप प्रूफ करो कि ये जो चार्ज डेंसिटी है ये उस डिस्ट्रीब्यूशन का है जिसमें दो यूनिफॉर्मली चार सॉलिड स्फीयर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, उनको स्लाइटली शिफ्ट कर दो, ऐसे हल्का सा शिफ्ट कर दो, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो यही है, वो इसको गवर्न करेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि एक हेमिस्फीयर ए है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर अंडरलाइन है, इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, हर जगह बराबर होगा, और इसी के ऊपर एक निगेटिव चार्ज डेंसिटी का, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा कसर, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्या किया गया कि एक स्फीयर को स्लाइटली नीचे शिफ्ट कर दिया, स्लाइटली नीचे शिफ्ट, तो दोनों का सेंटर यहां कौन साइड था, अगर स्लाइटली तुम नीचे शिफ्ट कर रही हो, ये दूरी डीवाई दे दिया, ये डीवाई की दूरी है, तो ये सेंटर और लाइन थी ऐसे, और एक स्फीयर को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो तुम देखो ये ऐसा बनेगा, ये वाला निगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा ऐसे, कुछ इस तरीके से चलेगा ऐसे। कुछ ऐसे बन जाएगा, ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज बचा रह जाएगा और नीचे निगेटिव चार्ज आ जाएगा शिफ्ट कर रहे हैं। अब बीच में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, बीच में जो है ना ये न्यूट्रल हो जाएगा, पूरा लाइन ही न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा बीच में। ये इतना आसान है नहीं क्वेश्चन, जितना मतलब ये समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन मतलब है, इनको कहते हैं मतलब जे एडवांस के अंदर जो 100 के अंदर रैंक लाते हैं ना उनके लिए भी मुश्किल है, सच्चाई चाहिए। ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे निगेटिव चार्ज है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पे चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी ना, जितना ऊपर जाएंगे क्या चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, बताओ? ऑफ कोर्स ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहां से यहां तक चार्ज डेंसिटी बढ़ी, फिर इधर घटी, उसी तरीके से निगेटिव में, इधर निगेटिव इधर ये। अब जरा सुनना, तो ये जो इक्वेशन बना हुआ है ना, इक्वेशन क्या है, रो नॉट, रो बराबर रो नॉट कॉस थीटा, थीटा के जब जीरो लिखोगे जीरो तो रो रो नॉट आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, तो सबसे ज्यादा तब आएगा जब थीटा जीरो होगा, तो सबसे ज्यादा यहां पे है ना, दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। थीटा जो है एक्चुअल में ये एक्सेस है, दिस वन इज एक्सेस, और उस एक्सिस से थीटा एंगल पे तुम इधर जा रहे हो, वैसे
और वो जो स्ट्रिप हमने वर्टिकल सिलेक्ट किया था ऐसे, वो ऐसे नहीं इस बार ऐसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिमेट्री से जितनी डेंसिटी यहाँ पे उतनी डेंसिटी यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे स्ट्रिप घूम रहा है, तो जो डेंसिटी यहाँ पे हर जगह से, और जितना मैं नीचे आऊंगा डेंसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी, ऊपर डेंसिटी ज्यादा। आप कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि इसको शिफ्ट करने के बाद जो वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो इस फंक्शन को गवर्न करेगा, इसको गवर्न करेगा। पहले तो ये प्रूफ करो गवर्न करेगा, उसके बाद ये प्रूफ करो कि इसको गवर्न करने पे इसके अंदर जो आती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, ये भी बताना। नहीं, दो बॉल थे आपस में, एक बॉल ये है एक बॉल ये, दोनों को आपस में ऐसे मिला दिया, ठीक है, तो नेट चार्ज जीरो हो गया। अब एक को हल्का सा नीचे शिफ्ट कर दिया, हल्का सा नीचे शिफ्ट कर दिया, तो ऊपर पॉजिटिव बचा रह जाएगा, नीचे निगेटिव आ जाएगा, ये शिफ्ट किया। अब प्रूफ करना है सर, अभी भी ये सीएटी फॉर्म के बाद क्या सर, इसका शेप अभी भी सीएटी है शिफ्ट करने के बाद भी? हाँ, स्लाइट शिफ्टिंग है, स्लाइट शिफ्टिंग है, हल्का सा सीएस चेंज होगा बट स्लाइट शिफ्टिंग है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, मतलब मैं पहले ही रिपीट कर रहा हूँ, अनोन माफिया, एक अनोन माफिया करके आता है यूट्यूब पे। एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्लियरली कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा है गड़बड़ा, इसलिए बार बार मैं वेट कर रहा हूँ समझाने के लिए, बार बार वेट कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताना है, एक बात बताओ, अब मैंने क्या किया कि यहाँ से अब मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ बातों को समझने के लिए, मतलब ये सरदर्द टाइप क्वेश्चन कह सकते हो इसको। पहले सेंटर था यहाँ पे और ये ऊपर वाला स्फीयर है ना, ऊपर वाला ये वाला, इसका सेंटर ये है, और ये जो नीचे वाला स्फीयर है इसका सेंटर ये है, तो शिफ्ट कितना हो गया, डीवाई की शिफ्ट, इसको बोल दिया डीवाई शिफ्ट, दिस इज डीवाई, समझते रहे ना मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो कौन सा कलर है, येलो कलर है ना, कौन सा कलर, येलो कलर का सेंटर ये है और जो व्हाइट कलर है इसका, इस स्फीयर का सेंटर नीचे आ गया, डिवाइड थिकनेस नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूं कि यहां से थीटा एंगल पे, मैं चाहता हूं कि यहां पे डेंसिटी कितनी, यहां पे डेंसिटी कितनी, मुझे ये थोड़ा सा एक बात बता सकते हो क्या, क्या ये जो लाइन है इस वाले पे मार्क हुआ तो 90 बनेगा, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि किसी स्फीयर के सरफेस को उसके सेंटर से मिलाओगे तो जो टेंजेंट होता है वो 90 बनाता है। सिमिलरली इस लाइन को भी इससे मिलाओ तो ये भी 90 बनाएगा, और इसको आगे बढ़ा दो तो ये भी एंगल लगभग 90 होगा, लगभग 90, लगभग 90 नहीं होगा, बताओ। Yes, हाँ बोलते रहो, क्योंकि एक चीज बता रहे, क्वेश्चन अंडर 100 वाले बच्चों के लिए, बाकी तो किसी के, तो ए भी अप्रोक्सीमेट 90 होगा, ए भी अप्रोक्सीमेट 90, ए भी अप्रोक्सीमेट 90, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना इसको मैं यहां बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, ये छोटे से एलिमेंट को यहां बना रहा हूं। अच्छा, ये दूरी डीवाई है तो ये जो दूरी आएगी, ये दूरी अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरल है अप्रोक्सीमेट पैरल है, तो ये डीवाई है तो क्या ए भी दूरी डीवाई होगी, ये दूरी ए भी दूरी डीवाई होगी। अब मुझे ये बताना, अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो इस लाइन के साथ वर्टिकल थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो लाइन है क्या ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ये समझ सकते हो थीटा कैसे होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन पैरल है, ये लाइन वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, तो इस तरीके से हो गया ना, ये थीटा यहाँ, और ये लाइन पैरल है, ये एंगल थीटा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस है मतलब है का मतलब होता है, ये दूरी डीवाई है,
अगर इसका सलूशन मुझे पहले से नहीं आ रहा होता तो ये मेरे बस का नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ। तो ये थीटा है, ये दूरी डिवाई है, और यहां पे कायदे से देखो ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ आएगी डीवाई कॉस थीटा। इसको मैं अपने मन से नंबरिंग कर दूं, ये है, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार स्लो इसी वजह से हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस डराने वाला क्वेश्चन। तो यहां से मैं चाहूं तो ए बी को लिख सकता हूं, ए बी को डी वाई कॉस थीटा बिकॉज ए सी इज डी वाई, ये कंडीशन है। ठीक है, अब मुझे इस चार्ज को निकालना है कि इस एलिमेंट पे कितना चार्ज है। मैं इस चार्ज को निकालना चाहता हूं, इस चार्ज को निकालना चाहता हूं। पता है ये जो चार्ज आएगा दैट चार्ज इज डी क्यू, ये आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर। चार्ज डेंसिटी तो कॉन्स्टेंट थी, वो कॉन्स्टेंट थी, इसी स्फीयर की चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू डीबी, डीबी ये वाला वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ये वाला वॉल्यूम। तो पता है ये जो बनेगा ना, ये अगर मैं इतना ही एंगल पे जाऊं इधर, तो ये वाला स्ट्रिप हर जगह सेम आएगा, तो जैसा इधर है वैसा इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। और इवन जब तुम ऐसे घूमोगे ना, ऐसे घूमोगे तो हर एक छोटा छोटा स्ट्रिप, हर छोटा छोटा स्ट्रिप एक ही ऐसा दिखेगा ना, बता ये वाला होगा। इस एरिया को, ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को मैंने डीए बोल दिया, डीए इस एरिया को। वो कैसे आएगा एरिया, देखो ये जो सरफेस है ना, ऐसा सरफेस तो नहीं करते 2πr dr dθ करते हो ना, 2πr r dθ याद आ रहा है, वही एरिया डीए मैंने बोल दिया, वो एरिया डीए मतलब ये जो है एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट जो चारों तरफ ऐसे घूमेगा, ऐसे उस एलिमेंट का सरफेस एरिया डीए। तो कैसे आएगा जानते हो, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इनटू इस स्ट्रिप का वॉल्यूम बनेगा, ये वाला थिकनेस इनटू ये डीए एरिया मल्टीप्लाई कर दो, ये जो डीए एरिया चारों तरफ था ना, उसको अगर इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इस स्ट्रिप का वॉल्यूम आ जाएगा, बोलो एकदम आ जाएगा भाई। अगर ये स्ट्रिप का एरिया डीए है, ये डीए है और इसका थिकनेस पता है, मल्टीप्लाई कर दो आ गया इसका टोटल बोलो, बन गया, ये बनेगा रो इनटू डीए इनटू ये जो थिकनेस है ना, दिस इज नथिंग बट ए बी, ये थिकनेस ए बी है, ए बी इज डी वाई इनटू कॉस, ये बन गया। अब बिना घबराए मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, जरा एक चीज बताना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये जो डीए एलिमेंट चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उस डीए एलिमेंट में टोटल चार्ज डीक्यू है ना, अगर मैं कहूँ ये एलिमेंट का एरिया डीए है, ये पूरा डीए एरिया, इस डीए एरिया में ये जो टोटल चार्ज है, इस थिकनेस है, थिकनेस बहुत कम है, ये थिकनेस इज नेग्लिजिबल, ये डीवाई कॉस्ट है, डीवाई इज वेरी वेरी स्मॉल, डीवाई इज वेरी वेरी स्मॉल, पीछे की एरिया पूरा डीए है और इस डीए एरिया में टोटल चार्ज डी क्यू है, पूरा चार्ज डी क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, क्या इसके चार्ज को इस एरिया से डिवाइड कर दूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आनी चाहिए, यस। तो ये बनेगा डी क्यू अपॉन डीए, क्योंकि इस सरफेस का जो टोटल एरिया बन रहा है दैट इज डीए। अब डी क्यू अपॉन डीए इसको यहां भेज दो, डी क्यू है ना, डीए क्या भेज देते, बन गया क्या रो कॉस थीटा इंटू डी वाई, वन सेकेंड वेट कर रहा हूँ, डी वाई इंटू कॉस थीटा बन गया। अच्छा व्हाट इज डी वाई, डी वाई क्या इसका शिफ्ट है, इस स्फीयर को कितना शिफ्ट किया, क्या वही डी वाई है, yes, वो तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा भाई, इस स्फीयर को जो शिफ्ट किया है इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वो इस थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, आपने स्फीयर को स्लाइट शिफ्ट किया, ये रो इनटू डी वाई को एक नया कांस्टेंट बोल दिया, एंड दैट कांस्टेंट इज सिग्मा नॉट, दिस इज द सिग्मा नॉट, एंड दिस सिग्मा नॉट को मैं यहां पे फिर लिख दिया
यहाँ पे फिर लिख दिया सिग्मा नॉट इज नथिंग बट वॉल्यूम इनटू कितना शिफ्ट किया है डीवाई डीवाई है शिफ्ट। ठीक, अब मुझे बताना क्या ये रो नॉट कॉस थीटा बन गया और यही रो नॉट कॉस थीटा है। दैट मीन्स अगर किसी भी स्फीयर स्फेरिकल सरफेस पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इस फॉर्मूले को गवर्न कर रहा है तो वो कुछ और नहीं है और दो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को स्लाइटली शिफ्ट करने के बाद जो आता है वो वही है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चंस ऐसा था कि अनबिलीवेबल क्वेश्चन बोलते हैं तो सही में कह रहा हूं, मतलब तो कोई 100 100 रैंक लाना हो ना ये क्वेश्चन उसको भी एक बार सरदर्द करा तुम फैक्ट बताओ। इसके बाद ये आ गया इतना आप पूछा है अगले पार्ट्स में, इसके बाद आसान हो जाता है। कह रहा है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन रिस्टोरिंग द रिप्रेजेंटेशन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इनसाइड द गिवन स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर, इस हॉलो स्फीयर के अंदर ही बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है और इस रिजल्ट का यूज करते हुए, इस मतलब ये मानते हुए कि शिफ्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो रो बराबर रो नॉट कॉस थीटा, चलो निकालता हूँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे ये बताना तो फिर लगा दे सुपर पोजिशन मेथड्स, इसके ऊपर यहां से हटा देता हूं। सुपर पोजिशन मेथड लगा देंगे, देखो कैसे इन सबको हटा दो, बेकार दिमाग खराब रहा है इनको हटा दो। ये ऐसे अब कोई पूछेगा कि यहां से आर वन वेक्टर एक पॉइंट है पी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये अगर आर वन वेक्टर होगा तो ये क्या होगा आर टू वेक्टर होगा, आर टू वेक्टर होगा। तो जो कि तुम कह रहे हो कि ये जो चार डेंसिटी है वो दो इस यूनिफॉर्मली चार स्फीयर की शिफ्टिंग से आया है, तो दो यूनिफॉर्मली चार्ज के स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, वही ये वाला आंसर देना चाहिए। तो मैं इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहता हूं, तो देखो यूनिफॉर्मली चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है अंदर वाले पॉइंट पे रो आर अपान थ्री एप्सिलॉन, ये वैल्यू होती है पढ़े हुए। तो पूछे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए वो ऊपर वाला जो स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का ये येलो वाला वो कितना फील्ड देगा, तो रो आर वन वेक्टर अपान थ्री एप्सिलॉन देगा, माइनस ये जो नीचे वाला व्हाइट वाला कलर है उसकी चार्ज निगेटिव है तो माइनस रो आर टू अपान थ्री एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से मैं एक और काम कर सकता हूं, दिस इज रो आर वन माइनस आर टू इंटू थ्री एप्सिलॉन लिख सकता हूं। जब मुझे ये बताना ये R1 माइनस R2 वेक्टर है ना ये किसके बराबर होगा, अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं R1 माइनस R2 वेक्टर ना, मान लो ये वेक्टर ऐसे होता ये डीवाई के बराबर होता तो इस वेक्टर में इसको जोड़ते तो R2 आता, तो तुम डीवाई वेक्टर प्लस R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर लिख सकते हो। देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, तो यहां से मैं चाहूं तो आर वन माइनस आर टू का वेक्टर लिख सकता हूं माइनस डीवाई वेक्टर, माइनस डीवाई वेक्टर यहां पे मैं माइनस डीवाई लिख सकता हूं, ये बन गया माइनस रो इंटू डीवाई वेक्टर एंड डिवाइड बाई थ्री एप्सिलॉन। अब एक बात बताओ ये रो इंटू डीवाई जो है ना रो इंटू डीवाई उसको सिग्मा नॉट लिखे हो, तो रो इंटू डीवाई मैं सिग्मा नॉट लिख सकता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई माइनस सिग्मा नॉट अपान थ्री एप्सिलॉन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। दैट मीन्स और ये आर वन आर टू डिपेंड नहीं किया, इसका मतलब इसके अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इक्वल होगा और सिग्मा अपान थ्री एप्सिलॉन के बराबर होगा, डायरेक्शन नीचे होगा माइनस साइन बता और नीचे होना ही चाहिए भाई, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नीचे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा और तब फिर हर जगह सेम होगा। यहाँ पे भी अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें हर पॉइंट्स पे ऐसे दिखाना होगा, ऐसे हर जगह ऐसे और उसकी वैल्यू सिग्मा नॉट अपान थ्री एप्सिलॉन। तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी स्फीयर पे हो तो वो अपने अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर देता है और उसकी वैल्यू सिग्मा नॉट अपान थ्री एप्सिलॉन के बराबर होता है। दैट मीन्स वो सेंटर पे जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो हर जगह फील्ड बराबर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और एक चीज और तुम बताता हूँ, रिडो में एक क्वेश्चन और था एकदम जिसका आंसर आया था क्वेश्चन नंबर
16 में याद करो, क्वेश्चन नंबर 16 था 3.16, इसको तुमने पता है क्या लिखा था? देखो बताता हूँ, 3.16 का आंसर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, बताओ भी क्या आया था, बताता हूँ 3.16 का आंसर था 3.16 ए आर अपान थ्री ऑप्शन आर था, ए आर अपान थ्री ऑप्शन आर था, और वहां पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी और सिग्मा बराबर ए आर कॉस थीटा थी, सिग्मा बराबर था ए डॉट आर, ए आर कॉस थीटा, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करा दूं तो क्या ये ए आर क्या सिग्मा नॉट बन गया, और ये सिग्मा नॉट अगर मैं यहां प्लेस कर दूं तो क्या आंसर आ गया। बट क्वेश्चन नंबर 3.16 में पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पूछा था? सेंटर पर पूछा था। 16 में कहा था फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर पूछा था। और क्वेश्चन नंबर 3.17 में उसने ये नहीं कहा था अंदर कहीं बता, मतलब तुम समझ सकते हो कि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता इसमें शिफ्ट करने का, तो फिर हम जो प्रॉपर मेथड्स इंटीग्रेट किए थे उससे आंसर निकालना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन और क्वेश्चन 17 एकदम सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है उसका एकदम लार्ज रूप है जो इस बात को कंफर्म करता है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा और सेंटर की फील्ड के बराबर। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? इसको बाद में दोबारा देखना, बट क्वेश्चन मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन मतलब ये है। मैथ और केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा मेरे बैच में? पहले तो फिजिक्स ही पढ़ा लें, इसके बाद मैथ और केमिस्ट्री के लिए देखो जल्दी बता दूंगा कि एडवांस बैच में कौन आएगा, राइट? कि एडवांस बैच नहीं, 23 के परफॉर्मर बैच 12th पास में कौन आएगा बता दूंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर मतलब इधर जितने क्वेश्चन इरोडो के आ रहे हैं इलेक्ट्रिक स्टेट्स के वो सब मतलब माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, और इरोडो इन्हीं के लिए फेमस है, और यही परेशानियां धीरे धीरे बहुत अच्छा बनाती है। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द सेंटर ऑफ बॉल of radius r with the uniform charge density rho where a is the constant. कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द सेंटर ऑफ बॉल ऑफ रेडियस आर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतना, ए इज कांस्टेंट वेक्टर एंड आर इज रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। ये भी मतलब इधर तो मैं तुमसे कह तो रहा हूँ सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के आ रहे हैं, बट हैं मतलब उनको कहा जाता है कि क्वेश्चन हैं ये ए डॉट आर वेक्टर है बोल्ड लेटर में, तो ये बोल्ड लेटर में तो डॉट प्रोडक्ट है, तो बनेगा ए आर कॉस थीटा, ए इज कांस्टेंट, आर इज रिलेटिव वेक्टर, गुड। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द बॉल, बॉल के सेंटर बताइए, तो एक बॉल बना लो ऐसा, कह रहा है इसके सेंटर बताइए। इसकी सबसे बड़ी गड़बड़ता क्या है, देखो ये जो डेंसिटी है ना वो आर पे भी डिपेंड कर रहा है, आर पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितनी दूरी पे हो तो, एंड दूसरा थीटा भी कर रहा है, थीटा का मतलब कि सेंटर से जो एंगल बन रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो दूरी पे भी डिपेंड कर रहा है और एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऐसी कोई कैसे कह देगा कि क्वेश्चन मतलब इजियर है, नॉट इजी क्वेश्चन मतलब है सब मतलब कहने लायक क्वेश्चन, तो इसके लिए हर क्वेश्चन दूसरे प्रीवियस से लिंक है, हर क्वेश्चन प्रीवियस से लिंक है। तो इस पे मैंने क्या किया ना, थीटा हटा दो, मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ, अभी तुमको देखो तुरंत धड़ से समझ आएंगे अरे यार ये तो यही है, एक आर पे जाके डीआर थिकनेस का सेल सिलेक्ट कर लो, दिस इज द सेल, ये डीआर थिकनेस का सेल, अच्छा सेल है, आर पे जाके मैंने डीआर थिकनेस का सेल सिलेक्ट कर लिया, सेल सिलेक्ट कर लिया,
तो इस छोटे से वॉल्यूम में जो चार्ज dq आएगा, क्या वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू इस dr थिकनेस का जो टोटल वॉल्यूम आएगा, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर dr, ये बनेगा बताओ। तो चार्ज बनेगा dr थिकनेस पे, दैट इज डेंसिटी इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr। अब मैंने क्या किया, ये भी गड़बड़ाएगा, पता है क्यों गड़बड़ हो रहा है, आर पे जाके तुम डीआर का थिकनेस ले लोगे तो गलत ही होगा कि इधर की डेंसिटी अलग है इधर की डेंसिटी अलग है, तो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे ऐसे तो थीटा चेंज होने लगेगा ना, तो डेंसिटी बदलने लगेगी, तो ये ऐसे कैसे लिख सकते, गलत हो रहा है यार, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ये तब लिखते हैं जब डेंसिटी आर पे सिर्फ डिपेंड करे, याद करो अब जितने क्वेश्चन तुम क्लासेस में करते हो ना, वहां पे डेंसिटी सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, यानी कि आर पे भी कर रहा है थीटा भी कर रहा है, जब आर पे भी करेगा थीटा भी करेगा तो पूरा दिमाग को ही झल्ला देगा। अब क्या करें बताता हूँ, क्या कर सकते हो, जिंदगी है ये, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस तगड़े हैं सब, अभी जितना क्वेश्चन हम इधर इरोडो टच कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वो इरोडो उनके लिए जाना जाता है कि यस यार हम इरोडो हैं इसी वजह से। सेंटर से थीटा एंगल पे गया आर दूरी पे और एक डी थीटा का स्ट्रिप ले लिया, और ये स्ट्रिप का जो इस तरीके से स्ट्रिप बना, और इस स्ट्रिप के एरिया डीए है, ये वाला एरिया डीए है, एरिया डीए, रुको नहीं वेट करो थोड़ा सा बताता, देखो मुझे खुद ही दिक्कत हो रही है, आर पे गया और डीआर थिकनेस का एक स्ट्रिप सेलेक्ट किया जिसका ये वाला एरिया डी है, मतलब सिलेंडर का एक तरह से मान लो सिलेंडर जैसा है, ये वाला एरिया डी है, तो इसको मैं यहाँ उठा रहा हूँ। मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर मुझे पहले से क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो नहीं पॉसिबल था, मुश्किल होता, मैं सच्चाई तुम्हें बता रहा हूँ मुश्किल होता, ये थिकनेस डी आर, ये थिकनेस डी आर, और इसका ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके हर पॉइंट का जो एंगल होगा इस हॉरिजॉन्टल से लगभग थीटा ही होगा, इसके हर पॉइंट के एंगल हॉरिजॉन्टल से लगभग थीटा होगा, तो इसका चार्ज तुम डी क्यू लिख सकते हो, अब लिख सकते हो चार्ज डेंसिटी रो इनटू ये वाला स्ट्रिप का बोलो, दैट इज डी आर इनटू डी ए, ये लिख सकते हो, ये जो छोटा सा स्ट्रिप है ना, ये जो छोटा सा सिलेंडर स्ट्रिप है जिसका थिकनेस डी आर है, और ये वाला एरिया डी ए, डी ए इज वेरी वेरी स्मॉल, तो तुम कह सकते हो कि चूंकि ये वाला एरिया बहुत कम है, इसका हर पॉइंट सेंटर से जो लाइन है वो जो एंगल बना रहा है थीटा, वो हर पॉइंट के लगभग थीटा ही रहेगा, तो कॉस थीटा कांस्टेंट हो गया इसके अंदर, और आर कांस्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट की सेंटर से दूरी लगभग, तब तुम डी क्यू लिख सकते हो इतना। अब थोड़ा सा कुछ बातें हमें समझना पड़ेगा, मान लो अब इसको उठा के यहां पे प्लेस कर दो, इससे डी क्यू बन गया तुम्हारा पता कितना, ए आर cos थीटा into dr, और इस डी ए को मैंने यहां भेज दिया, यहां भेज दिया, अच्छा ये बताया क्या, ये जो है मतलब इस तरीके से, इस तरीके से ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये तुम्हें नहीं दिख रहा, ये इस तरीके से जिसका ये थिकनेस dr है, ये थिकनेस dr है, ये थिकनेस dr है और ये वाला एरिया dA, ये एरिया dA, और ये थिकनेस dr, और dr इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड दिस इज dA, टोटल चार्ज dq है, टोटल चार्ज इसके अंदर dq है, इसका थिकनेस बहुत ही स्मॉल है, थिकनेस बहुत ही स्मॉल है, तो कोई पूछे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, अच्छा तुम्हें पता सेल पे जो चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है, सेल का थिकनेस बहुत स्मॉल, तो उसके चार्ज को उसके एरिया से डिवाइड करते हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है,
उसी तरीके से dr इज वेरी वेरी स्मॉल और इसका टोटल चार्ज dq है, तो फिर पूछे कि चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, तो क्या इस एरिया से डिवाइड करना चाहिए, आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी? यस आ जाएगा। अच्छा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन इनकेस नहीं भी समझ में आए तो ये तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। ये बन गया dq बाई डी ए इज सिग्मा आर डी कॉस थीटा इनटू डी आर, इसको मैं लिख सकती है ए, डी आर आर कॉस थीटा लिख दिया, सुनते रहना गुड। अच्छा मुझे ये बताना, अगर मैं r दूरी पे एक एलिमेंट सिलेक्ट करूं dr थिकनेस, ये dr थिकनेस का मैंने एलिमेंट सिलेक्ट कर, एलिमेंट सिलेक्ट कर, एलिमेंट सिलेक्ट कर, एक बात मुझे बताना, क्या ये जो dr है हर जगह सेम है? dr हर जगह सेम, इस एलिमेंट पे dr हर जगह सेम, हर जगह सेम, ए तो कांस्टेंट था और r भी इसके एलिमेंट पे हर जगह सेम, हर जगह सेम, इसको मैंने एक नया कांस्टेंट, इस पूरे को एक नया कांस्टेंट बोल दिया, दैट इज सिग्मा नॉट इज ए r dr बोल दिया, ए आर dr, क्योंकि इस एलिमेंट पे हर जगह आर की वैल्यू सेम होगी, डी आर की वैल्यू सेम होगी, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको ही बोल दिया। तो ये फंक्शन पता क्या बन गया, सिग्मा नॉट कॉस्ट का फंक्शन बन गया, और सिग्मा नॉट इज कॉन्स्टेंट बिकॉज ए इज कॉन्स्टेंट, आर इज कॉन्स्टेंट, डी आर इज कॉन्स्टेंट, इस एलिमेंट पे तो हर जगह कॉन्स्टेंट, हर जगह कॉन्स्टेंट, एक सेकेंड, एक ही मेथड है ठीक है, सिग्मा नॉट कॉन्स्टेंट आ गया, मतलब आर रेडियस की एक स्फीयर पे, एक शेल पे मैं कह सकता हूं कि आर रेडियस की एक सेल, ये डी आर थिकनेस का सेल है, आर रेडियस के सेल पे चार्ज डेंसिटी इसको कवर कर रहा, तो फील्ड एट सेंटर चाहिए, सेंटर फील्ड बताइए सेंटर, तो क्या ये क्वेश्चंस अभी हमने ही किया था, किया था yes, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे सिग्मा नॉट अपॉन थ्री एप्सिलॉन होना चाहिए, तो ये जो सेल है इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, दैट मीन्स मैं यहाँ भी कह सकता हूँ कि सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे सेंटर पे वो होना चाहिए, मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए सिग्मा नॉट अपान थ्री एप्सिलॉन, माइनस एन कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, सिग्मा नॉट अपान थ्री एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, इतना फील्ड इसके सेंटर पर होना चाहिए, और सिग्मा नॉट तुमने ये लिखा है उठा के तुम यहाँ रख दो, तो बन गया क्या ए आर डी आर अपान थ्री एप्सिलॉन नॉट होगा ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डी आर थिकनेस का सेल ने दिया है, इसको डी लिख सकते हो, तो इस डी आर थिकनेस के सेल ने सेंटर पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो यहां से लेके यहां तक बहुत सारे सेल्स है ना, यहां तक, यहां का डीआर थिकनेस, यहां का डीआर थिकनेस, यहां का डीआर थिकनेस, यहां का डीआर थिकनेस, बहुत सारे सेल है यहां, तो पूछे नेट फील्ड बताइए, तो अगर मैं ये जो डी इस बगल में दिख रहा है, अगर मैं इसी को इंटरग्रेट कर दूं, इसी को अगर मैं इंटरग्रेशन लगा दूं सेंटर से आर तक, यहां तक सेंटर से आर दूरी तक, तो क्या इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना चाहिए, बताओ? यस फोर्स आ जाना चाहिए, दिस इज ए अपान थ्री एप्सिलॉन नॉट, और आर का इंटरग्रेशन क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाई टू, तो आर स्क्वायर अपान टू का मतलब सिक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा इतना, ए आर स्क्वायर अपान सिक्स एप्सिलॉन नॉट, और इसका आंसर उन्होंने दिया है 3.18 है ना, यही आंसर दिया, तो दिस इज द आंसर, और मैं तुम्हें बता दूं अगेन दिस इज द माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन अगेन, मतलब मुझे जैसे लगता है कि 100 का बच्चा हो उसको इस क्वेश्चन पे जाना चाहिए,
या 200 के अंदर, ये क्वेश्चन ऐसा जा रहा। आयुष मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि रिग्रेस बैच वन जो स्टार्ट होगा 4 जुलाई से स्टार्ट होगा, इसमें रुडो के भी क्वेश्चन आएंगे। कनिष्क यू कैन एज्यूम द सेल एट आर कैलकुलेट फील्ड ए टू इट्स क्वेश्चन नंबर इतना देन इंटरग्रेट। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी थी। ये रो बराबर क्या है, ये आर कॉस थीटा ना, एक सेकेंड रुको, एक बच्चा बता रहा है क्या कह रहा है कि सर यू कैन एज्यूम कनिष्क तुम क्या बता रहे हो कनिष्क किनसब, वी कैन एज्यूम द सेल एट आर एंड कैलकुलेट एज क्वेश्चन नंबर 3.16। 3.16 में ऐसा क्वेश्चन है ना, एक सेकेंड स्फीयर रेडियस आर, अच्छा हाँ सिग्मा बराबर ए आर, तो हमने भी तो वही लिखा है, ठीक तो है, इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, यही तो है, सिग्मा नॉट 3 एप्सिलॉन लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 और 17 तो सेम ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा अंतर हल्का सा, हमने वही यूज किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ईच ऑफ टू लॉन्ग पैरल थ्रेड कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार डेंसिटी लैम्डा पर यूनिट लेंथ, यहां पे एक चार डेंसिटी लैम्डा का चार्ज लिखते हैं डॉट के साथ, द थ्रेड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, इनकी बीच की दूरी एल मान लो, यूनिफॉर्म चार डेंसिटी लैम्डा। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द सिमेट्रिकल प्लेन, सिमेट्रिकल प्लेन तो ही होगा ना, मतलब एक लाइन चार्ज है और एक लाइन चार्ज है, तो सिमेट्रिकल प्लेन कौन सा होगा, ये जो बीच का प्लेन है जो सिमेट्रिकल प्लेन लोकेटेड बिटवीन द थ्रेड, दोनों थ्रेड के बीच में सिमेट्रिकल प्लेन एग्जैक्टली बीच में, कह रहा इस प्लेन में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब मैं तो बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो, ये प्लेन है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा और ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड ऐसे देगा, कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ का फील्ड जीरो है, और ऊपर जाओगे इन्फिनिटी पे तो फील्ड जीरो मिलेगा ही जीरो मिलेगा, लेकिन बीच में तो फील्ड जीरो नहीं है ना, तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो है, दैट मीन्स फील्ड इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करके जीरो बनाओ, और वो पता है इसमें अगर इस प्लेन में जाओ ना तो इसमें एक सर्कुलर रीजन बनेगा ऐसा, आर रेडियस का रीजन बनेगा जिस पे हर जगह फील्ड बराबर आएगा, बराबर आएगा नहीं, रुको, ये ऐसे नहीं इन्फाइनाइट लेंथ की है, ऐसे इन्फाइनाइट लेंथ है, और बीच में मैंने एक प्लेन रख दिया, प्लेन रख दिया, प्लेन रख दिया, ठीक है, तो इस ये लाइन है, इस लाइन में एक बीच बड़ा सा प्लेन है, तो इस दोनों लाइन के बीच में अगर जाओगे ना, बीच में कहीं भी रहोगे कहीं भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, समझ सकते हो कैसे भाई, एक लाइन है, एक लाइन है, तो इसी के बीच में कहीं भी रहो, यहाँ पर हो तो यहाँ पर हो तो कहीं पर भी रहोगे, फील्ड जीरो मिलेगा, फील्ड जीरो मिलेगा, मतलब ऐसा मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि अगर ऐसा है लाइन, मतलब इसी को अगर मैं इधर से देख रहा हूँ, सॉरी ऊपर से देखूंगा, ऊपर से तो मुझे ऐसा दिखेगा, और इसमें कहीं भी रहोगे यहाँ पे हर जगह फील्ड जीरो रहेगा, फील्ड जीरो रहेगा,
इस प्लेन, यहां पे फील्ड जीरो, इस लाइन पे फील्ड जीरो है, अब इन्फिनिटी पे फील्ड जीरो मिलेगी। अब इस बीच वाली लाइन से अगर एक्स दूरी जाते हो ना ऐसे ऐसे, तो इस लाइन पे हर जगह फील्ड बराबर मिलेगी, हर जगह फील्ड बराबर मिलेगी। अगले लाइन पे थोड़ा चेंज होगी लेकिन हर जगह बराबर होगी। मतलब ना यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे इस लाइन पे जीरो मिलेगी, ऐसी लाइन पे, यहाँ पे जो लाइन होगी उस पर जीरो मिलेगी, और यहाँ पे जो लाइन मिलेगी यहाँ पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हर जगह सेम मिलेगी, यहाँ पे फील्ड हर जगह सेम होगी, बट इसका इसका अलग अलग होगा। सिमिलरली इधर भी, ये कुछ समझ में, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes, मैं थोड़ा सा विजुलाइज कर रहा था। तो मुझे बताओ अगर यहाँ जीरो है और यहाँ जीरो है, दैट मीन्स बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन लिखेंगे, जाएंगे यहाँ से एक्स दूरी पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे ऐसे, दिस इज लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर ये दूरी है, दिस इज द आर। वैसे इस इनफाइनाइट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दिस इज द लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेट्स दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दिस इज नथिंग बट लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा, और इसी का डबल कर दिया। व्हाट इज द कॉस थीटा, द कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इज एक्स अपॉन आर, तो मैंने यहाँ पिछले कॉस थीटा की जगह पे एक्स अपॉन आर, दैट मीन्स एक्स अपॉन आर करोगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये बन गया इतना। अब इस e जो है वो x और r दोनों का फंक्शन है, तो 2 लैम्डा x डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह पे लिख सकते हो, r की जगह पे x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का रूट करोगे तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये बन जाएगा। क्योंकि ये जो e है वो x का फंक्शन है, देखो x जगह पे जीरो रखोगे तभी भी जीरो आएगा, और इन्फिनिटी रखने से नीचे का डिनोमिनेटर जीरो बना देगा। e को मैक्सिमाइज करना, तो e को मैक्सिमाइज करना है तो d बाई डी एक्स जीरो कर दो, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये तो जीरो तरह से हट जाएगा, कॉन्स्टेंट जीरो हट जाएगा, तो डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डेफिनेशन माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, एल का जीरो टू एक्स का एक्स स्क्वायर का टू एक्स बनेगा, ये जीरो। यहाँ से क्या बन गया, दैट इज एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर बनेगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बना देगा, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू है। अच्छा एक और बात बताता हूँ, ये दूरी ना, ये पूरी दूरी L है, ये L बाई टू होगी ना, तो मैं इसको L बाई फोर लिखना चाहिए था, L बाई फोर, इसको L बाई फोर लिखना चाहिए था, ये बनेगी L बाई फोर, तो दिस इज x बराबर L बाई टू। तो यहाँ से L बाई टू दूरी पे फील्ड मैक्सिम होगा, इस x को उठा के कहाँ प्लेस कर दो, यहाँ पे प्लेस कर दो और यहाँ पे प्लेस कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। डाउट होगा तो बीच में रोकना जरूरी है। यार मैं ड्रॉपर बैच की मैथ की फैकल्टी में बता दूंगा, 4 जुलाई का वेट करो, और केमिस्ट्री, हाँ वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो ईजी था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाँ इसलिए कि ये लाइन चार्जेस ऐसे है ना, जब इसको तुम ऊपर से देखोगी तो दोनों लाइन दो पॉइंट नजर आएंगे ना, दो पॉइंट, तो मैंने दो पॉइंट बना दिया यहाँ पे, ये प्लेन है, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे ना, लाइन चार्ज का फील्ड लिखा हूँ, देखो लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.23। कह रहा है इन्फोनाइट लॉन्ग सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये भी क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन, मतलब सही भी अच्छे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी सब जितने आ रहे हैं ना सब बस आ रहा है, एंड इन्फोनाइटी लॉन्ग, और एक और बता रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो
तुम्हें एकदम पेशेंस के साथ कॉपी पे नोट करना और उसको रिवाइज करो, नोट करना है रिवाइज करो, आज पढ़ाया एक सप्ताह बाद रिवाइज करो, रिवाइज करो, हमेशा रिवाइज करो। अब पूरे इस साल तुम इसे खत्म होने दो, तुम लगे कि मतलब इतनी चीजें सीख गए हो कि बताया जा सकता। इन्फाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर सरफेस, एक सिलेंडर सरफेस है, क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म चार्ज लेंथ विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो गवर्न कर रहा है, रो नॉट कॉस फाइव गवर्न कर रहा है, वेयर फाइव द पोलर एंगल ऑफ द सिलेंडर कोऑर्डिनेट एक्सिस विद जेड एक्सिस कोइंसाइड विद द एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, इससे थीटा एंगल पे, मतलब इससे थीटा मतलब यहां पे अगर एक रिंग सिलेक्ट कर लो, एक रिंग सिलेक्ट कर लो, तो इस रिंग में ये जो रिंग का प्लेन होगा ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा होगा रिंग का प्लेन, रिंग का प्लेन परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। अब इस ये जो रिंग है ना इसको मैं इधर से देख रहा हूं, इधर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा और जेड एक्सिस बाहर आएगा, यह एक्स एक्सिस, इससे थीटा एंगल पे जो डेंसिटी है वो इसको गवर्न कर रहा है, रो नॉट कॉस फाइव, रो नॉट कॉस फाइव गवर्न कर रहा है, इस प्लेन में डेंसिटी इसको गवर्न कर रहा है, रो नॉट कॉस फाइव। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर ऑन द जेड एक्सिस, इस जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर चाहिए। तो जरा मुझे बताना कि अगर मैं इस सिलेंडर को जब मैं इधर से देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है ऐसा थीटा पॉजिटिव, या सब फाइव की वैल्यू जीरो लिखोगी, जीरो, तो ये वैल्यू फाइव नॉट आएगा मैक्सिमम वैल्यू, प्लस 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 यहाँ पे आएगा जीरो, फिर यहाँ पे आएगा माइनस माइनस माइनस, फिर इधर आएगा प्लस प्लस प्लस, डाउट होगा तो मुझे रोक देना, इधर आएगा माइनस माइनस। तो अगर कोई पूछे इस वाले पॉइंट पे इस ऑन द जेड एक्सिस, इस जेड एक्सिस बताना है, इस जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस का मतलब कि इस रिंग के सेंटर बताना, पहले इस रिंग के सेंटर बताओ। और कायदे से सिमेट्री से पता है क्या है, ये रिंग जितना यहाँ पे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिंग भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देगा, यहाँ पे उतना ही देगा। तो तुम मुझे भी बताना इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे किधर आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड आवे देगा, ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड ऐसे देगा, निगेटिव भी फील्ड ऐसे देगा, तो ये ऐसे बनेगा फील्ड ऐसे, तो एक्स एक्सिस के अपोजिट वेक्टर, इसका मतलब जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक्स के अपोजिट, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, समझ सकते हो मैं कैसे बता रहा हूँ, भाई एक्स एक्सिस उधर मान ले, मान ली एक्स एक्सिस मान ले जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अपोजिट आ रहा ना फील्ड ऐसे, तो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस बेसिकली एक्स एक्सिस जो है वो इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर है, अंदर की ओर, अंदर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट आएगा, तो ऐसे बाहर आएगा ऐसे ऐसे, तो इस सिलेंडर के जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे है। जो मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है फिलहाल। तो ये भी तो इतनी जरूरत क्या थी, इसका मतलब तो ये हो गया कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट है डी आर थिकनेस का, ये जो एलिमेंट है जिसका थिकनेस ये डी आर, ऐसे डी आर, ये थिकनेस डी आर, मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसा दिखा रहा हूँ, ये थिकनेस डी आर, इस डी आर थिकनेस का जो रिंग होगा, रिंग वो इसके यहाँ पे जो फील्ड देगा वही नेट फील्ड होगा, क्योंकि जो बाकी के रिंग होंगे, बाकी के रिंग, अच्छा उनका भी तो फील्ड यहाँ पे आ सकता है, उनका भी तो फील्ड यहाँ पे आ सकता है, उसको भी तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या कर ही सकता है, मजबूरियां हैं तो देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यार ये तो देगा ही, मतलब ये रिंग तो देगा ही, तो बगल की भी रिंग देगा, हाँ तो ठीक है देखा जाएगा। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखते हैं, तो इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो सुनते रहना, ये जो रिंग है उसका थिकनेस कितनी थी, डी आर, ये थिकनेस डी आर है, मान लिया
सुनते रहना डियर थिकनेस। अब रिंग पे इस रिंग पे चार्ज कितना होगा तुम्हें पता है? इस रिंग पे तो चार्ज होगा, दैट चार्ज इज डी क्यू इज नथिंग बट ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस डीआर से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं, वो भी चेंज हो। तो तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा सरफेस पे, मतलब जिसका सरफेस एरिया ऊपर का सरफेस एरिया डी ए है। सुन, थोड़ा सा समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, फाई भी तो डिपेंड करेगा ना, मतलब फाई चेन तो ये तो थिकनेस डी आर है, और इसको तुम डी टी मान लो, इसको डी टी मान लो, रुकना, ये तुम्हारा ये जो दूरी है ना दैट इज डी आर, और इसको मैंने मान लिया डी टी, चाहे जिस एंगल पे भी हमें मतलब नहीं है, ये फाई एंगल पे है ये वाला स्ट्रिप, मतलब ये जो रिंग है ना यही है, ये फाई एंगल पे, देखो ये इनको बताता हूँ, ये फाई एंगल पे है, ये फाई एंगल पे है, ठीक है, और यहाँ पे फाई एंगल पे है, और डी फाई का स्ट्रिप था छोटा सा, डी फाई का स्ट्रिप था छोटा सा, और ये है इस तरीके से, और ये जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है ये डी आर है। ये कुछ समझ रहा, मैं कैसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डी आर है, ये डी आर, तो ये थिकनेस डी आर है, ऐसे इस डी आर थिकनेस का है, ऐसे ऐसे डी आर थिकनेस का, मतलब ये डी आर थिकनेस का ऐसे है, ऐसे, और हॉरिजॉन्टल से मैंने फाई एंगल पे डी फाई ले लिया, डी फाई, फाई एंगल पे डी फाई ले लिया हॉरिजॉन्टल से, ये स्ट्रिप जब देखोगे ना तो फाई पे डी फाई, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, तुम्हें ऐसा दिखेगा, देखना फाई पे डी फाई ले रहे हो तो तुम्हें स्ट्रिप ऐसा दिखेगा, और ये थिकनेस डी आर है। बेसिकली ये जो रिंग है ना, रिंग इनफाइनाइट लेंथ का ऐसे सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ऐसे है तो इसका थिकनेस डी आर है, और ये फाई पी डी फाई के स्ट्रिप है ये वाला। तो अगर मुझे इसे, अब इसमें तुम कह सकते हो कि फाई जो है हर पॉइंट का सेम है, फाई हर पॉइंट का सेम है, तो फाई सेम हो गया, तो ये कॉन्स्टेंट है ये, तो सिग्मा जो होगा इसके हर पॉइंट पर कॉन्स्टेंट आएगी, हर पॉइंट पर कॉन्स्टेंट आएगी सिग्मा। तो कोई पूछे चार्ज डी क्यू कितना होगा इस वाले पे, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट कॉस फाई इंटू ये वाला एरिया, एरिया क्या बनेगा, ये डी आर है, और ये क्या बनेगा, ये रेडियस इसका आर इंटू डी फाई बनेगा, इसको लिखोगे आर डी फाई इंटू ये वाला डी आर, ऐसे में लिख दिया। तो ये जो चार्ज हुआ वो इस रिंग के इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज होगा, छोटे से एलिमेंट पे चार्ज, ठीक है, मतलब ये जो रिंग है डी आर थिकनेस का ना, जो डी आर थिकनेस का रिंग है, ऐसे था डी आर थिकनेस का रिंग, ऐसे इस डी आर थिकनेस के रिंग पे एक छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज आ रहा है, वो चार्ज डी क्यू है। अब रिंग पे होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इस रिंग का चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर तुम्हें निकालना है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर तुम्हें रिंग का निकालना है, रिंग का दैट इज लैम्डा मान, तो पता किससे आएगा, ये चार्ज तुम्हें मिल गया, अगर इससे डिवाइड कर दोगे ना इस रिंग का चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे भाई टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड करते हो, इतने से अगर मैं डिवाइड कर दूँ ना, इस लेंथ से डिवाइड कर दूँ, तो क्या इस रिंग पे, इस रिंग पे चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा? यस, ये वाला पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस डी क्यू को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा है, अब क्या करें, मैं ज़्यादा एनालिसिस करते जा रहा हूँ। ये रेडियस आर है और ये लेंथ आएगा आर डी फाई, इसी को आर डी फाई से अगर डिवाइड कर दोगे तो तुम मुझे बताओ क्या इस रिंग का चार्ज पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा? आ जाएगा भाई, चार्ज अपान लेंथ डिवाइड कर दिया, तो यह आर डी फाई को मैं यहाँ दे दिया, ये बन के पता कितना, सिग्मा नॉट डी आर इंटू सिग्मा नॉट डी आर इंटू कॉस फाई, ये बन गया। अब है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो क्या कर दो, ध्यान देना ही पड़ेगा, ये बन गए चार्ज पर यूनिट लेंथ इसके ऊपर बन गए, मतलब ये जो रिंग बनाया, इस रिंग का मैंने क्या निकाल दिया, इस रिंग का मैंने निकाल दिया चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, गुड, अच्छा सिग्मा नॉट इंटू डी आर, सिग्मा नॉट इंटू डी आर पता है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू, डी आर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट बनेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट सबके लिए डी आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, सबके लिए डी आर कॉन्स्टेंट, इसके नया कॉन्स्टेंट मान लो। तो चलो एक हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा,
मैंने सिग्मा को लिखा है सिग्मा नॉट डी आर इंटू कॉस फाइव, इसको मैंने कॉन्स्टेंट बोल दिया, दैट इज लैम्डा नॉट। और ये आया था पता, सिग्मा नहीं आया था, ये आया था लैम्डा, इसको लिख लिया लैम्डा नॉट, दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड लैम्डा नॉट इज नथिंग बट सिग्मा नॉट डी आर। तो एक रिंग जो है, एक रिंग की चार डेंसिटी इस फॉर्मूले को करो, इसके सेंटर से एक्स दूरी पे एक पॉइंट है, वही तो जेड एक्सिस बनेगी, इस रिंग की जेड एक्सिस ये बनेगी, ये बनेगी। तो अगर इस स्ट्रिप से मैं यहां से एक्स दूरी पे जाऊं, इस वाले पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहा हूं, इसकी वजह से एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो याद करो ये क्वेश्चन भी ना इरडो का क्वेश्चन है, जिसमें चार डेंसिटी इस फॉर्मूले को कर रहा है, लैम्डा नॉट कॉस फाई। ये कौन सा क्वेश्चन, मैं तो कहता रहूं ये सब क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको अब मेथड वन पे चलते हैं, उसके बाद मेथड टू से भी बताऊंगा। मेथड वन, ये दो मेथड है, मेथड वन यूज कर रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आया था वो पता कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 12th में आई थी कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 12th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12th में, E बराबर 2 लैम्डा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आया था। अब मैं इस लैम्डा नॉट को उठा के मैं यहाँ रखूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ये बन जाएगा 2 आर स्क्वायर, तो रेडियस है स्क्वायर एंड, बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंदर आएगा का पावर 3/2 बनेगा। और यहाँ पे लिख दिया लैम्डा नॉट कॉस फाई, इसके पे लैम्डा नॉट कॉस फाई, लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा, बन गया नहीं लैम्डा नॉट ही लैम्डा नॉट रहेगा, दिस इज द लैम्डा नॉट आएगा, समझ रहे हो ना, 12th का आंसर ही था 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये लैम्डा नॉट तो यहाँ पे रहने दिया, कुछ समझ में क्या बता रहा हूं, हेलो हाँ, तो ये बन गया इतना, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और ये लैम्डा नॉट यहां पे रखोगे तो ये बन जाएगा पता कितना, दिस वन इज सिग्मा नॉट डी आर dr, now sigma not dr na, now integration, इसे ये बताओ फिर ये एक्चुअली dr ही पता क्या है, अभी वेट करो थोड़ा सा, ये रिंग था सिलेंडर, मैं इसके सेंटर से यहाँ से x दूरी पे जाके ये dx का मैंने स्ट्रिप लिया था, ये यही dr बेसिकली dx है, और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहा हूँ इस रिंग की वजह से, तो वो आएगा इस तरीके से, तो ये dr नहीं बल्कि dx कहलाएगा, ये समझ मारी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा लगा लो दिमाग, क्या कर सकते हैं। अब x का लिमिट बढ़ाएंगे कहाँ से कहाँ तक, एक्स की लिमिट अगर मिड पॉइंट है, एक्स इधर जाएगा प्लस इन्फिनिटी और इधर होगा माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगी एक्स पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो कितना आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन इसका हाँ, इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है सिग्मा नॉट अपॉन टू एप्सिलॉन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये तो फिलहाल मेथड वन में, जिसमें मैंने क्या किया कि एक रिंग का हेल्प लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 12 का हेल्प लेके सेंटर से एक्स दूरी पे लिखा, फिर इंटीग्रेट किया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि पूरा सिलेंडर इन्फिनिटी तक जा रहा था। अब हम बात करेंगे मेथड्स टू की,
मेथड टू में सुनना, ये जो सिलेंडर है ना ऐसे, जब इसको हम इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से, तो मुझे ऐसा दिख रहा था, और यहां से फाई एंगल पे, फाई एंगल पे डी फाई के जब मैंने स्ट्रिप सेलेक्ट किया था, यहां पे स्ट्रिप, ये स्ट्रिप सेलेक्ट किया था, तो यहां का जो चार्ज आया था ना फॉर्मूला में देखो, चार्ज क्या आया था, चार्ज आया था, डी क्यू कहां गया था? वो चार्ज निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताना, ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप अगर इनफाइनाइट लेंथ पे ले लो, यहां से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब ये सेंटर है ना सेंटर, तो इससे फाई एंगल पे ऐसे गए, ये डी फाई की स्ट्रिप है, और इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिप सिलेक्ट कर दिया ऐसे, तो क्या ये इनफाइनाइट लेंथ का बनेगा? कुछ समझ में क्या बता रहा हूं? हाँ, इस तरीके से है, सेंटर से फाई एंगल पे गया, डी फाई की स्ट्रिप लिया, और ये जो डी फाई की स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, मतलब इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर ऐसे आगे बढ़ा दूं सरफेस पे, फिर में क्या ऐसे है ना, इस तरीके से ऐसे, तो इसके एक्सिस ऐसे, फाई पे जाके डी फाई की स्ट्रिप लिया, ये डी फाई की स्ट्रिप है, इस डी फाई की स्ट्रिप को अगर मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे, आगे बढ़ा दूं, तो पूरा इन्फिनिटी बन जाएगी, इन्फाइनाइट लेंथ का वायर बन जाएगा, इन्फाइनाइट लेंथ का, इस इन्फाइनाइट लेंथ का वायर का चार्ज पर मिनट लेंथ अगर निकाल, ये इन्फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसका चार्ज पर लेंथ लैम्डा निकाल, और सिमेट्री से देखो, इस लाइन पे ये जो लाइन बन रहा है, इस लाइन पे हर जगह चार्ज डेंसिटी बराबर आएगी, क्योंकि फाई पे डिफाई के स्ट्रिप इधर, फाई का डिफाई के स्ट्रिप इधर, ये सारे स्ट्रिप पे चार्ज डेंसिटी हर जगह बराबर होगी, बराबर होगी इस पे हर जगह बराबर होगी ना, हाँ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो इस डायरेक्शन में देगा, एंड दैट इज नथिंग बट लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा ये निकाल लेते हो भाई, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आया था, इधर तो पॉजिटिव चार्ज थे ना ऐसे, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे क्या बना था, निगेटिव निगेटिव, यहाँ पे सबसे ज्यादा निगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर फील्ड दे रहा है, और ये निगेटिव चार्ज ऐसे दे रहा है, रिजल्टेंट एक्स एक्सिस में आ रहा, रिजल्टेंट इधर इधर, मतलब इस ये जो एक्सिस ना, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जाना फील्ड, नेट फील्ड ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो नेट फील्ड इधर बनेगा, इधर वो बनना चाहिए दैट डी इज नथिंग बट लैम्डा नॉट अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर इन टू इसका ये वाला कंपोनेंट, अगर ये वाला एंगल फाई हो तो ये एंगल फाई कहलाएगा, इसका इधर कंपोनेंट आएगा दैट इज कॉस फाई, ये कॉस फाई बनेगा डी की वैल्यू। अब ये इस स्ट्रिप वे से अभी लैम्डा प्लेस करना बाकी है, लैम्डा के लिए उन्होंने चार डेंसिटी की वैल्यू दिया था, सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट ओरिजिनल क्वेश्चन में कॉस फाई, ये लिखा था ओरिजिनल क्वेश्चन, सिग्मा नॉट कॉस फाई। अब मुझे इसके सहायता से लैम्डा निकालना, लैम्डा क्या है, इस वाले पे कितना चार्ज है, जबकि ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो मुझे बताओ ये लेंथ है आर डी फाई, और ये लेंथ तो बहुत बड़ा है, ये लेंथ तो बहुत बड़ा है, ये लेंथ तो बहुत बड़ा है, ये लेंथ मान लो एल के बराबर होता है, एल इज वेरी वेरी लार्ज, और ये लेंथ कितना होगा, तो आर डी फाई होगा, आर डी फाई। तो इस स्ट्रिप पे जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा डेंसिटी सिग्मा नॉट कॉस फाई मल्टीप्लाई बाई ये वाला एरिया, ये लेंथ एल है और ये है आर डी फाई, तो एल इंटू आर डी फाई, ये टोटल चार्ज आ जाना चाहिए था, दिस इज द टोटल चार्ज एट दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप जो अंदर को जा रहा है उस पर टोटल चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, रिंग पे, रिंग का चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा कि इस रिंग पे कितना चार्ज है उसको इस लेंथ से डिवाइड कर दो, इस लेंथ से, ये लेंथ क्या है आर डी फाई, अगर मैं इसी से डिवाइड कर दूं तो ये लैम्डा आना चाहिए इसके ऊपर, इस रिंग इस एलिमेंट पे जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इतने लेंथ पे जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो आएगा जब, नहीं ये गलत हो रहा है, पता किसे डिवाइड होगा, इस पे टोटल चार्ज आ गया ना, इस पे हाँ, हम नहीं सही है, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा रिंग का चार्ज पर लेंथ नहीं है, लैम्डा इस रॉड का चार्ज पर लेंथ है, समझ रहे हो,
लैम्डा जो है इस रॉड का चार्ज पर लेंथ, तभी तो तुम लैम्डा अपॉन टू एप्सिलॉन आर लिखे हो। तो ये चार्ज पर लेंथ कैसे निकालेंगे, इस पूरे चार्ज को किससे डिवाइड करना होगा, एल से कि आर डी फाई से? एल से, एल से डिवाइड करना, सही कह रहे, इसको डिवाइड करेंगे एल से। इस लैम्डा की वैल्यू आ गई, अब हमारे लैम्डा की वैल्यू आ गई, दैट इज सिग्मा नॉट आर कॉस फाई, सिग्मा नॉट आर कॉस फाई, इसको उठा के यहां पर रख दो, तो इससे ये बन जाएगा लैम्डा की जगह पे सिग्मा नॉट आर कॉस फाई का मतलब कॉस स्क्वायर, और एक डी फाई तो बचा होना, यहां पे बचा हुआ, ये मन गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का। अब फाई में वेरिएशन करना है, तो ये जो इंटीग्रेशन चलेगा, इंटीग्रेशन ये पता है जीरो से स्टार्ट करें और कहां तक, ताकि पूरा का पूरा स्ट्रिप कवर हो जाए। अगर मैं पूरा यहां तक आ जाऊं तो जीरो से टू पाई पे कुछ गड़बड़ नहीं है भाई, एक ही साइड जो फील्ड दिया हो ना, तो ये सारे सारे एलिमेंट कवर करने हैं, सारे सारे एलिमेंट कवर करने हैं, तो लिमिट जीरो से कहां तक जाएगा, टू पाई तक, क्योंकि तुम एक ही की वजह से बस फील्ड लिखे हो यहां पे, तो इस स्ट्रिप का वेरिएशन तुम्हें यहां से यहां तक करना है। अब यहां पे बाकी सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, ये बन गया कितना, सिग्मा नॉट अपॉन टू पाई एप्सिलॉन, और कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, इसका होता है फाई बाई टू, फाइव बाई टू इंटू साइन फोर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, अब फाइव बाई टू प्रेस करो तो टू पाई फाइव बाई टू का मतलब पाई बन जाएगा, तो पाई से पाई कटेगा, आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। अब बोलो क्या कह रहे थे, क्या चीज फील्ड, तो मैंने एक ही की वजह से लिखी ना, सिर्फ इसकी वजह से नहीं लिखी, बस डबल कहीं नहीं किया, देखो नहीं तो सिर्फ कंपोनेंट किया ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, उसका कंपोनेंट मैंने बस इधर किया है, तभी कॉस स्क्वायर फाइव बन गया, ठीक है। अगर मैं डबल करता इधर तो फिर ये लिमिट जीरो से पाई चलता, गॉट इट, ओके। तो इस तरीके से हमने रिडो जहां तक मैंने होमवर्क दिया था मैंने डिस्कस किया, और कुल ब्लॉक में तुम्हें बता दूं कि सारे सारे क्वेश्चन मतलब सर दर्द, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन से एक। ओके ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, अब आते हैं तुम्हारे उन क्वेश्चनों पर। पहले होमवर्क नोट कर लो, ठीक है, होमवर्क है इरडो का क्वेश्चन नंबर 24 से, 24 एक इजी क्वेश्चन है, अब तुम्हें इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, होमवर्क नोट कर लेना, 24 से स्टार्ट करके कहां तक करना है, संडे वन था सटे फ्राइडे सैटरडे, ट्वेंटी फोर से 30 तक करना, नेक्स्ट होमवर्क इज 24 to 30।
उसके बाद अब तुम्हारे अपने डाउट्स पे आता हूँ। अदर